स्वागत है तुहाडा साडी आगरे की वीडियो नंबर 3 दे विच। ते हुण आपां करन जा रहे हां होटल दे विच चेक इन। ते आपां होटल की बुकिंग कराई हुई सी एडवांस दे विच, ते हुण पहुँच के पता लगेगा कि होटल किहो जिहा किहो जिहे रूम्स ने ते आला दौड़ा किदां दा। सोनू तां आया नहीं, ठीक है, मैनूं मसाला लग गया। तैनूं तां 3 ही चाहीदे ने। इत्थे की करना है जी? इत्थे ही रहना हुण 2 दिन। सोनू चाचा लिया है सानू होटल ताज विला। सैमी सारे तो मूहरे आ। सोनू ने होटल का वही बुक किया। हाँ, सोनू का चेहरा खुल जा जनता अपनी पहले पहुंच चुकी है। जिथे रौला पै रहे आप उधर ही जाना। लै साढ़े तो पहला ही साढ़े तो पहले सोनू दे शाबाशे में समान कि पासे रखा लो हले। अंदर स्नान लेके आया, पानी खत्म हो गया, पानी भिजवाओ, चाय पी के घूम करो, चाय भिजवाओ। चाची सैटल होके असी खाधा इतने रोटी पानी लंच कराया। तो उस तो बाद असी उतरे होटल के पूल दे विच। होटल दे विच पूल सेगा ते बच्चियां समेत असी लाइयां इतने बहुत सारिया तारियां। तो उस तो बाद आके रूम दे विच फिर नहाते धोते। तो उस तो बाद थोड़ा सौ के असी निकले रात नूं गेड़ी मार, क्योंकि नेड़े मार्केट बहुत वधिया सी। मार्केट से नेड़े ही सानू मिल गया सी बीकानेर वाले का आउटलैट। तो असी रात का डिनर रात का ही हुंदा वो असी इत्थे किता। तो उस तो बाद असी सवेर की तैयारी की ताजमहल लई निकलन दी। टाइम होया सवेर दे 6:30। तो अज वो दिन आ जदों आपां ताजमहल देखण जाणा, दुनिया के 7 अजूबियां विचों इक। तो मूँह साढ़े सारे दे तां लटके होए ने, क्योंकि असीं 5:30 बजे उठे हुए हैं। कहिंदे कि जल्दी पहुँच जाऊंगे तो ताजमहल वधिया दिख जूगा। उस तो बाद इन्नी भीड़ हो जाती है कि 2-2.5 घंटे बंदा लाइन च खड़ा रहिंदा। तो हुण बस सैमी पटका बन रहा। तो उस तो बाद इहदे पटका बनिया जब आपां नाल दी नाल गड्डी च बह के निकल जाना। ताजमहल हैगा इत्थों लगभग 2.25 किलोमीटर। तो जाके आपां पार्किंग च गड्डी ला दीए ते टिकट जाके देखांगे कि उत्थे लैनी आ। जे भीड़ घट हुई तो ले लेंगे, नहीं तो टिकट आपां उत्थे जाके भी जां पहलां भी ना ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लगभग 250 रुपये की टिकट आपां नूं एक बंदे की पैण वाली आ। तो चलते हैं फटाफट पहुँचते हैं ताजमहल नूं। चलो ये छेती हो तैयार है। लो मित्रों, पहुँच गए ताजमहल। बिच रस्ते की वीडियो बनानी पै, क्योंकि असीं मैप लाया होया सी, क्योंकि गलियां गलियां जी इहां चों आए हैं। लो भाई, 100 रुपये दे पार्किंग टिकटा, पर आपां गड्डी नेड़े नहीं लवांगे जिथे टिकटा मिलदियां। उहदे टिकट काउंटर दिख रहा किसे नूं? ताजमहल बहुत बड़ी लगू आना। ताजमहल वैसे हाँ दिखना तो चाहिए था। ताजमहल है ना एड्डा वड्डा, ओह ते इन्ना उच्चा। पहले टिकट कर लेते हैं। हमारे ना उधर भी बहुत घाट है सोसाइटी में। सोसाइटी ये बड़ी है, फिर भी बहुत छोटी है। ये इन्हों के छड़ के आते होने ना उसे।
कलर बता दें मुझे, ये दो कलर हैं, तीन कलर, चार, लेकिन ये सोना है, ये सोना है लेना 50 rupees बाद भूलना चाहिए लेना ले लो वही रुक वेट सेमी इधर देखी किथे आया किथे जाना किधर जाना उधर ही जाना ताजमहल गाइड वाली तो अपनी गल बनी नहीं 1800 मंगते सी ते साडी ऑफर सी 500 रुपए किसी लाना सी 1 घंटा ते वो मन्ने नहीं भाई 1500 तक आ गए सी पर हुण पिछे नु गूगल ते पढ़ पढ़ के दसी जाऊंगा विकिपीडिया ते ठीक है ना चलो फाइनली बैग ताजमहल जाने वाली गड्डी सेमी उठी उधर होए थोड़ा थोड़ा हर्ष पै जुगी ना और कितनी खुशी हो रही है सेमी नु है सेमी ओ सेमी सेमी किथे जा रहे हो ताजमहल बिना अपना 180 रुपए भाई साहब ये गड्डी तो बहुत तेज चल रही है ये आप बाहरले कॉरिडोर जे चा ओ माय गॉड मंकी भी बहुत ने थे मजा आ रहा है नहीं कितने दे मजा आ रहा है ना सभी मजा आ रहा है ये बहुत स्पीड है भाई ये गड्डियां दी ते ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਦੀ ਗਾਈਡ ਯਾਰ ਆਪਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 1000 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਉਂਦੇ ਆ ਆਗਰਾ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ ਸੈਮੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੈਮੀ ਹੈ डेरी मिल्क है वो ले दो खा लूंगा नहीं तो डेरी मिल्क खाऊंगा सेमी इधर आओ सेमी इधर आओ लेना हर्ष कुछ फ्रूटी लेनी है फ्रूटी लेनी है लिमका लेनी है की लेना बोल जल्दी हैं डेरी मिल्क नहीं है ना को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ने दस की लेना या चिप्स ने या कोल्ड ड्रिंक्स ने डेरी मिल्क अगे ले देंगे ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਗੇਟ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੇ ਬੰਦਰੋਂ ਸੇ ਬਚਾਵ ਹੇਤੁ ਆਵਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਰੋਂ ਕੀ ਅੱਖੋਂ ਸੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ फिर उसके बाद में 1947 में जब अपना देश आज़ाद हो गया फिर गवर्नमेंट के पास में आया ताजमहल तो सारे पेड़ों को कट किया गार्डनों को मेंटेनेंस किया जो अभी का व्यू है देखने में ठीक है ना हमारे साझा की 3 बीवियाँ थी फतेहपुरी बेगम सरहिंदी बेगम एंड मुमताज़ बेगम मुमताज़ बेगम का मकबरा ठीक ताजमहल के अंदर है और फतेहपुरी बेगम का वेस्ट वाले गेट पर सरहिंदी बेगम का ईस्ट वाले गेट पर ये दोनों बीवी से कोई चिल्ड्रन नहीं थे और मुमताज़ से हुए 14 बच्चे जिसमें से केवल 6 जिंदा बचे बाकी की डेथ हो गई थी इन दोनों बीवियों का मकबरा दोनों गेटों पे औरंगजेब किसका बेटा था और ब्रेस्ट है ना औरंगजेब किसका बेटा था औरंगजेब मुमताज मुमताज का ही था उसी ने मरवा दिया फिर बाद में
आगरे के मॉन्यूमेंट है सारे, यहाँ से जैसे 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के दायरे में सारे मॉन्यूमेंट। ये कॉर्नर में लाल किला, आगरा फोर्ट, यहाँ से 1 किलोमीटर ये बनवाया था अकबर ने। उनका हमारा जो साझा की फैमिली थी पूरी दरी लाल किले के अंदर रहती थी, ताजमहल के अंदर कोई नहीं रहता था, ये तो मुमताज की याद में बनाया साझा ने। और जो दिल्ली का जो लाल किला है वो भी साझा ने बनवाया, और ताजमहल ये भी साझा ने बनवाया। तो हमारा उस समय पर जो हमारा आगरे का जो राजधानी था ना ये आगरा फोर्ट था, अब हमारा दिल्ली है। शाहजहाँ ने बनवाया ताजमहल मुमताज जी आज, ते मुमताज के मुंडे औरंगजेब ने फड़के इनू कहते 11 पता नहीं 12 साल नज़रबंद रखिया, तो जो मर गया फिर इतें ही उन्होंने इतें ही दफनाया ताजमहल के अंदर। सुने गिर गया जोर दी भज ना ना देखो फिर हाई हो जाती है। सेमी बिवेयर ऑफ मंकीज। स्वागत है सर, सबसे पहले अब शुरू से सर मेरा नाम दिनेश है, ताजमहल में आपका स्वागत है सभी लोगों को। ये वाला ईस्ट वाला गेट है, इसके ठीक सामने बेस्ट वाला गेट है। दोनों गेटों से एंट्री होती है और दोनों गेटों से एग्जिट भी होता है। ये दोनों गेटों के आजू बाजू में ये रूम देख रहे हैं आप, ये टोटल 210 रूम है। ये साझा ने लेबर के लिए बनवाए थे ताजमहल से पहले, ताकि इधर लेबर रह के काम कर सके, ठीक है ना। अब इसके अंदर रहते हैं CISF रहती है सिक्योरिटी वाले। वाह, अज तो 350 साल पहला बनाया सी, ते कहंदे भी उदों 5 करोड़ लग्या सी, ते उस टाइम जिहड़ा सोना हुंदा सी 14 रुपए तोला सी, ते हुण किन्ने पैसे हो गए कि किन्ने तोले आ जाणगे 5 करोड़ दे? इन्ना नहीं पता, मेरे हिसाब नाल 40,000 किलो बनदा उत्थे, थले हो सकदा लगभग 40,000 किलो जिन्ने पैसे लगे सी। इत्थे डोम दिख रहा हुण उत्तर अपनी एंट्री है ईस्ट गेट तो, और सामने वाला वैसट गेट है उधर, तो इधर वो मेरे ख्याल साउथ होना, ये कहते बंद हो गया हूँ, ईस्ट तो वैसट ही चलते हैं। ताजमहल का फोर कोर्ट यानी हिंदी में ताजमहल का आंगन, क्योंकि इसके अंदर में फोर गार्डन है और फोर गेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोर कोर्ट। और ये वाला मेन एंट्रेंस इसको बोलते हैं रॉयल गेट, ठीक है ना। ये गार्डन किसने बनवाया था? ये तो गार्डन सब गवर्नमेंट, नहीं अंग्रेजों ने बनवाया था कि भारत सरकार ने कि मुगलों ने? देखो मुगलों के टाइम के अलग गार्डन थे, अंग्रेजों के टाइम के अलग गार्डन थे, और जी सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस किया है गार्डन को वो गवर्नमेंट। तो इसकी हाइट है 105, इसकी ब्लैक ये लैंग्वेज लिखा हुआ है राउंड से, इसको सुबह की नवाज़ ये वेलकम ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है उनका, क्योंकि उस ज़माने में उनका जो मुस्लिम जो लैंग्वेज था अपना फारसी अरबी उर्दू ये चलता था। इसके टॉप पर जो छोटे छोटे बाइट वाले जो डोम देख रहे हैं आप, ताजमहल बन के कम्प्लीट हुआ तो 20,000 मजदूरों ने इसके अंदर काम किया। ये मेमोरी के लिए एक डोम लगा दिया जाता था जब 1 साल हो जाती है, ओके है ना, इसका ये रीजन है। 11 साल नहीं नहीं 22 ईयर्स 22 ईयर्स ओके ओके 20,000 से बनाया है, 20,000 लेवल ने काम किया। हमने भैया को बोला कि भैया हमको जल्दी जल्दी फ्री कर दो शाहजहाँ मुमताज, जल्दी जल्दी बता दो सारा, क्योंकि हमको 9 बजे होटल जाके वापस 2 घंटे सोना है। बड़ा बड़ा बनाया यार शाहजहाँ ने। वाह बड़ा सोना बनाया यार। बड़ा सोहना बनाया, ऐ नैड़ी जी लगी जांदा कि 1.5 किलोमीटर दूर होना सोहना बना। आ गाइड ने दस्या नहीं गा इधरले पासे वाला, तो इधरले पासे वाला गार्डन अंग्रेजा ने बनाया, आसे पासे कुछ नहीं सीगा, मतलब गार्डन इन्होंने बनाया अंग्रेजा ने। महल बनाओ तो ऐसे बनाओ कि 40,000 गोरे देखने आए, देख ला 350 साल हो गए पर चमक रहा। एदिया मीनारा ना जिहड़ी चार ने आसे पासे, ये कहंदे टिड्डियां ने, मतलब सिद्धियां नहीं हैगियां, आपां देखण नूं लग रहा सिद्धियां ने पर इह बाहर नूं झुकियां होईयां, बस आर्किटेक्चर आ। और ऊपर करो, और ऊपर करो, वीर जी अपना बचपन का सपना पूरा कर रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਈਆ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਕਰਤ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਦੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰੇਂਗੇ ऐसी फोटो तो ट्रंप ने भी नहीं खिंचवाई थी, ओबामा आया था उसने भी नहीं खिंचवाई थी। एक दूसरे को देखो, तुम इधर मत देखो, ताजमहल को देखते हुए, ताजमहल को देखते हुए। जिवें जिवें ताजमहल के नेड़े जाइए इन्ना बड़ा हो जाता काफ़ी यार, मतलब ना धन दौलत लाती शाहजहां ने। सॉरी राइट हैंड लेफ्ट साइड, ये छोटा वाला अम्ब्रेला वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस मॉल वाला है ना, दोनों साइडों में वो बड़ा, पहले देख लो आप दोनों साइड सीट में, ठीक है आ जाओ। यहाँ से मैंने केबल आपको दिखा दिया, एक नदी जैसा पूरा पानी जाता था दोनों साइड, इतों पानी आता सी भाई नदी टाइप ओपरे तक जाता सी। लो भी हुण आपां जवां नेड़े आ गए, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਮਸਾਂ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮਸਜਿਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਟਾਨੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਠੰਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਨਲਪ ਦੇ ਗੱਦੇ ਵਾਂਗ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨੀਚੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗਾ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜਡ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਗਾਰਡਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲੈਕ ਮੀਨਾਰ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਲੀ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, 25 ਫੀਟ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ? ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ 4-5 ਫੀਟ ਲੱਗਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਤਬ ਸੇ? ਉੱਧਰ ਸੁਰਾਹੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮਟਕਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਮਟਕਾ ਸੁਰਾਹੀ, ਫਿਰ ਮਟਕਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਹਾਈਟ ਕਾ ਸੁਰਾਹੀ, ਫਿਰ ਚੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਲਸ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣਾ ਜੈਸੇ ਵੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੋਕ ਜੋ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੋਲਾ। ਠੰਡਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ, ਹਵਾ ਚਲਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ, ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਮੁਨਾ ਰਿਵਰ, ये दिल्ली से होता हुआ आता है नदी। हाँ और इलाहाबाद में जाके इनका संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती, फिर उसके बाद में समुद्र में। ये तो अपना पुराना दशहरा घाट मंदिर बोलते हैं इसको, और वो नदी के पार में देख रहे हैं एक छोटा वाला रेड वाला जो गुरुजी, वहाँ से फाउंडेशन है, एक ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर एक ब्लैक ताजमहल साझा बनाने जा रहे थे बिल्कुल इतने बड़े साइज का, लेकिन वो बन नहीं पाया। लेकिन वो बन नहीं पाया, उससे पहले साजा के बेटे थे 3, दारा, शिकवा, मुराद, औरंगजेब, ठीक है ना, और उनकी 2 बेटियाँ, एक रोशन आरा, एक जहान आरा, ठीक है ना, रोशन आरा, हाँ रोशन आरा, जहान आरा। तो साजा ने ये अपना फैसला लिया था कि ये तो मुमताज़ के लिए ये बाइट वाला ताजमहल, इसमें खर्चा आया था उस समय 5 करोड़ रुपये का बाइट वाले ताजमहल के अंदर। इतने बड़े साइज का एक ब्लैक ताजमहल नदी के पार बनाने जा रहे थे, लेकिन वो बन नहीं पाया। उससे पहले औरंगजेब ने ये बोला कि सारा पैसा आप ये बिल्डिंगों में वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारी लाइफ के लिए क्या रह जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में फिर साजा का एक सपना था, ख्वाब था कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे ब्लैक एंड वाइट और बीच में यमुना रिवर, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन के लिए, प्लस ये राजा के लिए और वो रानी के लिए, जो लोग हमारा प्यार का निशानी को याद किया करें, ठीक है ना। तो
फिर उसके बाद में औरंगजेब के मना करने के बाद फिर भी साझा नहीं माने, उन्होंने हल्का सा काम शुरू करवा दिया, इसका बेस वगैरह बनवा दिया, एक बुर्जी बनवा दिया। फिर उसके बाद में वो सामने देख रहे हैं नदी के इसी साइड, वो रेड वाला, रेड एंड वाइट, ठीक है ना, वो अपना लाल किला आगरा फोर्ट है, वहाँ पर साझा को कैद कर दिया औरंगजेब ने, वहाँ साझा को कैद कर दिया। फिर ये ब्लैक ताजमहल नहीं बन पाया। कितने टाइम बंद रहा वहाँ पे साझा? वहाँ पर ज्यादा 11-12 साल रहा था, 72 साल की एज में उनका मतलब डेथ हो गई थी। हाँ। ठीक है ना, औरंगजेब बंदा सही नहीं था। हाँ, औरंगजेब और बाबर ये दोनों बंदे सही नहीं। हाँ। ये क्रूर टाइप के थे। हाँ। तो वहाँ साझा को कैद कर दिया, तो वहाँ से साझा एक खिड़की है जाली है, वहाँ से अपनी मुमताज को याद किया करते थे, ताजमहल को देखा करते थे। ये ब्लैक ताजमहल तो नहीं बन पाया, अब इसको नाम दे दिया मेहताब बाग, इसी को बोलते हैं मैडम मेहताब बाग। तो लोग जाते हैं, अंग्रेजों के टाइप का पुल, टाइम का पुल है, वहाँ से आगरा फोर्ट से बैक साइड का ताजमहल का पिक्चर वगैरह लेने के लिए। यहाँ पर भूल भुलैया गार्डन है और कुछ भी नहीं है। हाँ, और एक चीज़ होता था पहले, आपने ये सुना होगा आगरा का हमारा एक स्वीट होता है जो पेठा, बहुत फेमस होता है। फेमस होता है क्योंकि यहाँ पर कई हेक्टेयर ज़मीन में यहाँ पर पेठे का खेती करवाते थे साझा। पेठा होता है विदाउट केमिकल, वो हनी, मिल्क, केसर और कोकोनट से उसको तैयार करते हैं, जो बॉडी के लिए लाभदायक होता है। हेलो, ये पेठे की हिस्ट्री इतनी पीछे तक जाती है, अभी शाहजहां के टाइम तक उन्हें वो बनवाना होता है पेठा, जो बॉडी के लिए लाभदायक होता है। जैसे मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग कभी भी यूज कर सकते हैं, खाली पेट या खाने के ऊपर से, वो बॉडी के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि उस समय सीधा टिकट ले इसी बार बार दी आईना ने कहनी इसी मुमताज में बढ़ के जाना। चलो एक सेकंड में बता देता हूँ, चलते चलते इस ताजमहल की 3 फ्लोर है, इन्हीं को बताता हूँ मैं। हाँ, फीलिंग ज्यादा हो रही है। ज्यादा सामान तो जो कीमती था बोलते हैं चोरी हो गया सब। अंडरग्राउंड वाले दो रास्ते इतने खाने जी बने हुए हैं, ये रॉयल फैमिली के लिए ऐसे ऐसे डन होते हुए जाते हैं, घोड़े से बैठ के जाते थे पहले। अच्छा, पहले कोई बाइक वगैरह नहीं रहती थी, पहले यही बाइक रहती थी, इनके घोड़े वगैरह एलिफेंट पहले। जालियाँ देख लो, पत्थर कट कट के बनाइया। ये है मस्जिद, ए कुड़ी जाके हटूगी ताजमहल पूरा देखना। हम तो हड्डियां भी मिट्टी बन गई होनी, हम तो सो लैने आराम नाल। गोरियां के टाइम थे ना भाई कहता साडा गाइड दिनेश कि 300-325 पौड़ियाँ एक एक मीनार च, तो अंग्रेजी टाइम च एक गोरी चढ़ गई सी, गोरी चढ़ी तो कहते उन्हें उपर जाके थले देखे चक्कर आ गया तो बेचारी डिग पी, तो मीनारा जादिया बंद ने। हुण आ सानू जराबा जी चढ़ाउणियां पै गईयां, आपां वी पईयां ये पा के हुण आपां अंदर जा सकदे आं। ये अपनी 200 वाली एक्सट्रा टिकट आपां लई, फिर 5 टिकटां लगियां, 15 साल तो घट बच्चियां नूं फ्री आ। तो हुण आपां ताजमहल देखांगे अंदरों उपरों। हाँ हाँ, जिमें यहाँ सारे टुकड़े जी कट कट के बिच फिट किए हुए हैं, मतलब चला तो है ना कि कहते अभी डिजाइन एको जे ने, वो सारा एक एक पीस कला कला कट कट के लाना कि औखा, ताई तो 22 साल लग गए, तो 20,000 मजदूर। भैया के साथ तो बहुत मजा आया, निश भैया ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करा जो जो भी था। हाँ, पर एक एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, तुसी सारा ताजमहल सिमेट्री है, पर जिहड़ा बनाने वाला वा वो आउट ऑफ सिमेट्री पिया वा, ओदी कबर एक पासे है, ओदी कबर सेंटर च मुमताज शाहजहां दी पासे है, एक पासे स्पेस खाली है, सेंटर च एक पासे स्पेस खाली है। बाजू मले थी ना ओ पागल, और नहीं नहीं पागल औरंगजेब ने ओनु फाहाबट करता ओदा, औरंगजेब ने सब मिस्टेक कर दी। हां, कोई एक्टिवेट हो गया कि रहा। बाकी आ जड़ियाँ क्रांतियाँ आए तो आह इधर लिखियाँ, ये कहते भी उपर जाते जाते अखर बड़े हुई जाते ताकि थले खड़ के बंदा पढ़ सके, नहीं तो इन्नी हाइट तो 250 फुट तो पढ़िया नहीं ना जावे।
चलो यार साडा अंदरला बारला टूर दोनों खत्म हो गए ताजमहल के, तो हम अभी जावे वापस होटल फॉर ब्रेकफास्ट। तो अज की वीडियो करते हैं इतने खत्म, अज की नहीं अज की शायद एक होर बन गए, ये वीडियो आप करते हैं इतने खत्म, तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो के।